मेरी नानो की तबीयत काफी खराब है। हॉस्पिटल जाएंगे नानो को मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं नानों की तरफ, नानों के घर जा रहे हैं। नानों की मेरी नानों की तबीयत काफ़ी ख़राब है, हॉस्पिटलाइज हैं और दुआ करें उनके लिए, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। हम अब बस कुछ देर तक निकलने ही लगे हैं। ये हम लोग ने सामान रख लिया है साथ में, टोकरी में फ्रूट रख लिए ताकि रास्ते में अगर ज़रूरत पड़ जाए, भूख लग जाए तो फिर फ्रूट खा लें। तो अब हो गए और अम्मी ने खाना लगा दिया, खाना खा के हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग ने खाना खा लिया है, अब ताले शाले लगा रहे हैं कमरों वगैरह को, घर को ताले लगाएंगे। और मेरे ख्याल से आयशा महरमा फातिमा तीनों निकल गई हैं। गाड़ी तो हम अंदर खड़ी हुई है अभी, लेकिन फिर आयशा महरमा बाहर कहाँ पे गई? ओहो वाह जी वाह, मैडम दुकान पे। ये देखें जी, अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं फस फस के और हम जाने लग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसा कि इकरा ने भी आपको बताया है कि हम नानू को देखने जा रहे हैं, तो अभी हम काफ़ी शोर आ रहा है पीछे से। अभी हम यहाँ पर पेट्रोल पंप पे आए थे पेट्रोल डलवाने के लिए, थोड़ी बहुत वॉक वगैरह यहाँ पे की है थोड़ा, और ब्रेक लिए यहाँ पे थोड़ी सी, और अब हम निकलने लगे हैं और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। सफ़र करते करते शाम भी हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया। थोड़ा असर के टाइम हम निकले थे शायद, तो अब मगरिब का टाइम भी हो गया है, शाम लग पड़ी है। और शायद हम अब शायद आधे एक घंटे तक हम शायद पहुंच जाएंगे। और गाइस, जो हमारी इकरा मासी है गोद में सामान ढेर सारा लेके, ये मामा ने मुझे देखी टोकरियाँ पकड़ा दी और बैग रखवा दिए मुझे। मेरी मम्मी ने पुलाव बनाया और मुझे आधा खा के आधा है। ये देखिए मैंने हड्डी हाली छोड़ दी और टीवी देख रहे हैं। ये देखें फातिमा एंड कजन्स ये खेल रहे हैं सारे। मेरी अब बस हो गई है और मैं अपने ये चावल जाएंगे मम्मी को देने लगी। मेरी बस कजन्स खेल रहे हैं। ये क्या हो रहा है फातिमा? हाय, क्या हो रहा है? चलो लोग तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। मैं हर बार मैं सब चीजें ला के मेहरमा। ओ अस्सलाम वालेकुम आयशा मैडम के तो नखरे ही नहीं खत्म होते हो। जी गाइस, मैं कल नहीं बना सकी घर हम लोग पहुंचे, बस मैंने तो बाहर से दिखा दिया था आप लोगों को, लेकिन मैं जब घर आई इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, ऊपर से हमने खाना खाया, फिर हम लोग ने हॉस्पिटल भी जाना था। नानों से मिल के आए, दुआ करें मेरी नानों के लिए क्योंकि उनकी तबीयत इतने खास नहीं है, हॉस्पिटलाइज हैं, और अल्लाह पाक मेरी नानों को उसे दे आमीन सुमीन। एंड फिर वही हिसाब के हॉस्पिटल से आए हम लोग तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मैं अपना कल व्लॉग नहीं बना सकी। कजन्स वगैरह मेरे सारे बाहर खेल रहे हैं, मैं भी अभी मैच देख रही थी पाकिस्तान और इंडिया का, बहुत अफसोस है।
लेकिन अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक हमारी टीम को मजबूत बनाए, आमीन, तगड़ा बनाए, आमीन सुमीन। एंड गाइस आप लोग वर्ल्ड कप के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। खाना जी आज हम लोगों ने पुलाव खाया है, पुलाव बहुत मजे का बना था। कल हम लोगों ने क्या खाया था मुझे तो याद ही नहीं रहा। हाँ कल चिकन बना था, वो खाया था। लेकिन मैं जब घर आई तो मुझे मैंने हम लोग जैसे ही घर आते हैं ना तो हमारी नानू हो बेड पे बैठी होती हैं, हमसे मिलती हैं, आओ ना इकरा इधर आओ, मेरी बात सुनो आयशा, इकरा इधर आओ, मेहरमा इधर आओ। आज उस दिन कल मेरी नानू नहीं बैठी हुई थी तो मुझे इतना ऐसे फील हुआ कि जैसे घर बिल्कुल खाली खाली है, कोई भी नहीं है। बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा हम उनको याद करें, मिस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर आज चक्कर लगते हो तो हम लोग हॉस्पिटल आज फिर जाएंगे, दोबारा नानों से मिलने जाएंगे अगर चक्कर लगता है हमारा, वरना तो हम सुबह कल जाएंगे। कल जब हम इधर आए तो फिर हॉस्पिटल हम लोग गए तो मेरी मामा हॉस्पिटल चली गई थी, उन्होंने रात में नानों के साथ गुजारी, कह रही थी अम्मी का ख्याल रखूँगी, अम्मी के साथ रहना है मैंने। और फिर वो हम लोग, ये मेरी नानों का रूम है, हम लोग इधर सोए थे, मैं, मेहरमा, फातिमा, हम लोग बेड पे सोए थे, साथ में चारपाई पे पापा सोए थे। और एक और चारपाई है यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, इधर बेड पे मैं, मेहरमा, फातिमा, वो उधर उस चारपाई पे मेरे पापा, और उस चारपाई पे आयशा सोई हुई थी। मेरा बैग कितना प्यारा लग रहा है, ये बैग मेरी हाला ने मेरी मामा को गिफ्ट किया था, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आ गया, इसलिए मैंने मामा को कहा नहीं मामा आपने लेंगी, ये मैंने रखना है। तो फिर मैंने मामा से ले लिया, लेकिन मामा आज भी कहती है कि नहीं इकरा तुमने मेरा बैग ले लिया, तुम मेरा बैग मुझे वापस करो। मैंने बोला मामा मैंने तो कोई नहीं वापस करना, ये मेरा बैग है, मेरा ही हो। और ये बैग मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये ब्रांड का बैग था। जी गाइस अब हम तैयार हो गए हैं और अब हम हॉस्पिटल जाएंगे नानों को मिलने के लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं, तैयार हो गए। आप कहाँ पे आ जाएंगे ना, तैयार हो गई है ना, आप आ जाए। मामू लोग हमारे पहले निकल गए हैं, हम थोड़े से लेट हो गए थे इसलिए तैयार हुए हैं अब। और आशा मैडम आपकी तैयारी अब हो गई है जी, तो जरा सामने आ जाएं अगर आपकी तैयारी हो जी। हाय गाइस, वी आर आउट हैविंग अ पार्टी, व्हाट अबाउट यू? मेरा आज का व्लॉग यहाँ पर डन होता है। अगर कोई नया मोमेंट आया मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आपने मेरी नानों के लिए जरूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको जल्दी से जल्दी जल्द से जल्द सेहत, हम उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपने घर में आए सेहत तंदुरुस्त और मिले जुले बातें करें, आमीन सुमीन या रब्बिल आलमीन। मुझे दुआ में याद रखें, मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।